बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चरसी कढ़ाई बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर जो है हम बहुत सारा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 कप के करीब, यानी कि आधा लीटर। उसकी वजह ये है कि इसका ऑयल इसमें नहीं रहेगा। जब हम चिकन को पका लेंगे तो हम इसमें से ऑयल को जो है, जो हमें ज़रूरत नहीं होगा, उसको हम रिमूव कर लेंगे। ये डालने के बाद हमने इसमें चिकन डाल लिए। मैंने एक नॉर्मल साइज़ की चिकन ली है। आप चाहें तो इसके टुकड़े छोटे कर सकते हैं, मैंने कुछ टुकड़ों को छोटा कर लिया है। अब इसके अंदर जो है, ऑयल के अंदर, हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इसके सारे टुकड़ों को। ओके, मुझे 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। 5 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया थोड़े से पानी के साथ, वो इसमें डाल देंगे और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह भून लेंगे, जब तक कि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। ओके, इसको अब तकरीबन 2 मिनट हो गए हुए हैं। इसके बाद हम अपने टमाटर लेंगे। तकरीबन मैंने, आप 6 से 7 टमाटर ले लीजिएगा, उनको 2 हिस्सों में काट कर इस तरीके से हम इसको रख देंगे और इसको ढक कर हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक कि हमारे टमाटर जो है वो, इनका छिलका जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, हम इसको उतार लेंगे। अच्छा, हमारे जो टमाटर के ऊपर जो एक इसका छिलका, ये हम उतार लेंगे सारे एक एक करके। सारे छिलके मैंने रिमूव कर लिए। अच्छा, अब जो इसमें जो ऑयल है वो एक्स्ट्रा है, वो अब हम निकाल लेते हैं इस टाइम पे। अच्छा, अब जो ये टमाटर है, हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे और इसके साथ मिक्स कर लेंगे। और अब जो है इसके अंदर मैं सिर्फ 2 मसाले जाएंगे। एक हमारा जो नमक, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, और उसके अलावा हमारी जो काली मिर्च, कुटी हुई लाल, सॉरी, ये जो काली मिर्च हम मैंने पीस लिया है, तो ज़रा पीस लिया, ये देखिए, ये 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसको जो है इस टाइम पे हम तकरीबन 8 7 8 जो है, ये मैंने हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने 2 हिस्सों में काट लिया, ये डाल देंगे और इसको पका लेंगे, भून लेंगे। ओके जी, कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। इसको हम गार्निश कर लेंगे अदरक और हरी मिर्चों के साथ। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।